मैंने यहाँ पर आपको कई सत्संग दिए हैं, जिसमें मुख्य बात दो थी। एक तो ये था कि 20 जिंदगी के अंदर हम कैसे जी ली, और दूसरा ये था कि भाई ये ज़िंदगी जो है चाहे कैसी भी हो, आखिर मतलब ये जो भाव में रहती है तो भाव के अंदर दुख सुख वगैरह सब कुछ आता है। तो दुख सुख का जो मामला है, जब तक ये रहता है तब तक वो आगे का साधन बनता नहीं है और यहाँ की ज़िंदगी अच्छी नहीं होती है। तो उसके विषय में बताया हमने खोल के, दुख क्या है, सुख क्या है। अब इस सब कुछ पे आखिर फिर बताया कि इसके अगर इस सब चीज़ करके आप खुश हो गए हैं, सेटिस्फाई हो गए हैं और आपने ये समझ लिया कि ज़िंदगी में कोई सार नहीं है, तो फिर आपको सदा के लिए जहाँ से आए हैं वहाँ ही जा सकते हैं, यानी आवागमन ख़त्म कर सकते हैं। जिन्हें मरना मत, इस लोक में फिर दोबारा आओगे नहीं, ऐसी विधि है। ये मनुष्य के लिए है, हमारे ऋषि मुनि वगैरह इसी चीज़ को देखकर अनुभव करते 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 चले गए सब बहुत ने। जिसने जितना किया उतना बता दिया, तो परमात्मा का पार कोई पा नहीं सका, क्योंकि उसके तो बहुत बहुत बड़ी शक्ति है और ये एक छोटा सा किरण है, छोटे से एक अंश है उसका, तो इसको नहीं पास किया। आखिर में फिर जो कुछ इसने अनुभव किया इस ज़िंदगी में कि भाई ज़िंदगी अच्छी है, बहुत आनंद भी है, दुख भी है, सब कुछ है, सब कुछ कर्म फिलोसफी है, तो कैसे हम सदा के लिए निकल जाएं इससे, इस शरीर से इसी ज़िंदगी में रहते हुए अनुभव करनी निकलने का तरीका। तो वो बताया मैंने आपको कि नाव कहाँ रहता, नाव रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोकी माही, तो चौथे पद में। अब चौथे पद में जाने की जो विधि है वो विशेष है, तो उसमें विशेष क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, और वो ये है कि आदमी बिल्कुल ठीक रहे शरीर से, मन से और बाकी वातावरण से, तो वो जाएगा। तो उसकी जड़ में क्या चीज़ है कि ये मनुष्य जो है इसके अंदर एक शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति, कि बस असल में तो पैदा से इसकी प्रकाश से है, क्योंकि प्रकाश जैसे भी भूमि पर गर्मी आएगी और ऊपर सूर्य किरणें पड़ेंगी तो गर्मी से वो जा करके अन्न बढ़ेगा। तो जीव की जो अवस्था क्या है कि वो प्रकाश है, पर ये प्रकाश से आगे जहाँ से प्रकाश पैदा होता है वहाँ जब चला जाए तो फिर वापस नहीं आता। तो क्वालिफिकेशन इसकी ये है शरीर के लिए स्वस्थ। अब शरीर की स्वस्थ के बहुत से कारण हैं और देखते हैं सब स्वस्थ हैं, कभी थोड़ी देर में ख़राब हो जाती है सेहत, ये उसकी अज्ञानता का कारण है। तो बड़ी से बड़ी अज्ञानता क्या है आदमी को सब, कि वो ये शक्ति इसमें जो पैदा होती है ब्रह्मचर्य की, वो जो उसको खो देता है। एक तो उन्होंने पहले बताया कि भाई जिसका शारीरिक मानसिक ब्रह्मचर्य ठीक हो, तो उसके लिए चार आश्रम बताए और चारों में इसका देखना पड़ेगा। पहले आश्रम के अंदर जिसका ब्रह्मचर्य ठीक रहता है, माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, तो सब के ऊपर जो डिपेंड करने वाली चीज़ है वो इसका ब्रह्मचर्य। अगर वो 25-20 साल तक की उम्र में मनुष्य का ब्रह्मचर्य ठीक रहे, वो इस शक्ति को नहीं खोए शरीर से मन से। अब शरीर से नहीं खोने का तो मतलब शरीर जानते हो आप, शरीर से दूसरे संपर्क करने से है, और संपर्क के अलावा भी हो जाता है, मन से भी हो जाता है। मन में स्वप्न आ जाता, रात को सोया हुआ है, स्वप्न आ गया, वो इसका ख्याल रखता है स्त्रियों का, कामुकता का, तो स्त्री आ जाती है, उसकी शक्ति डिस्चार्ज हो जाता है ब्रह्मचारी। अब ये देख लो कोई बार से स्त्री नहीं आई, कोई कुछ नहीं आई, तो उसे मन से ही क्या कराया, उसका ब्रह्मचर्य गिर गया। जबकि वह शक्ति बहुत मुश्किल से बनती है, एक दिन भोजन आदमी करता है और हजम हो जाता है, किसी उम्र तक, हमेशा नहीं। अब जैसे मैं हो गया 14 साल से, मेरे को एक बूंद खून की नहीं बनती है, क्यों, क्योंकि आजमा ठीक नहीं होता है। जिसका ठीक आजमा हो जाता है तो एक बूंद खून की बनती है वो जो इसके अंदर, और इसके अंदर बूंद खून जो बन जाता है आदमी के अंदर, तो ऊर्जा होती है इसके अंदर, स्टेमिना, इसमें सुकून में कुछ किन होते से जिसमें आदमी को उमंग, खुशी, हौसला देती है। और जिसका ब्रह्मचारी है वो कुछ बैठ नहीं सकता, वो कुछ ना कुछ काम करेगा उमंग से, और उसके शरीर कुदरती उसके अंदर शक्ति होती है। कूदता तो कूदने को दिल करता है, वाइजा चलाता तो वाइजा चलाने को दिल करता है, घोड़े को देखता है तो घोड़े फिसलता है। मतलब यह है कि दुनिया में जो देखता है उसी तरफ अट्रैक्ट होता है, और ये कामुकता के लिए वो स्त्री की तरफ होता है। और कोई नाच गाने से हो जाता है, कोई संग से हो जाता है, कोई शक्ल देखने से हो जाता है,
तो ये ब्रह्मचारी की शक्ति है, नहीं है कि आप वैसे ब्रह्मचारी हैं और आपने स्त्री के पास गए ही नहीं, आप गए नहीं लेकिन देख के अट्रैक्ट हुए हैं, वो भी कुछ एक दिन होते हैं तो कोई बात नहीं, कई दिन हो जाते हैं तो वो पक जाता विचार और फिर वो सपने के अंदर भोग लेते हैं। और वैसे कुछ नहीं होता, तो जब गर्मी आती है आपके अंदर उमंग होती है उस चीज़ की कामना की इच्छा, तो वो जो वेटिलिटी है वो अपनी जगह छोड़ देती है, कंकार से थूक से निकल जाती है। अगर ये निकलती है तो बचपन में निकल गई हो और जवानी में ब्याह करने के बाद भी, अगर शादी करने के बाद भी ज़्यादा हो गया हो, अति अति हर एक चीज़ ख़राब है, तो वो शक्ति निकल जाती है सर के अंदर, जो खास जहाँ से उमंग खुशी हौसला होता है वो गिर जाता है और फिकाई आ जाती है, निराशा होती है, मन में कुछ अच्छा नहीं लगता, ईर्ष्या होती है। स्त्री से जैसे प्यार करिए, शादी करी थी या करी थी, वो क्यों ज़्यादा काम भोग लेता है, फिर बाद में देखना नहीं चाहता, उससे नफरत हो जाती है, क्यों ये शक्ति खो दी उसने। तो ब्रह्मचारी एक शक्ति यहाँ एक बार काम करती है कि अगर साधारण ज़िंदगी में भी अगर ब्रह्मचारी है तो आदमी खुश है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई वो महात्मा बन के हो जाता है, साधारण ज़िंदगी में साधारण काम करता है, आरा पर काम करता है, और काम के टाइम पर काम, और खाने के टाइम खाना, नहाने के टाइम पर नहाना, सोने के टाइम सोना, और संतान उत्पत्ति के लिए इच्छा हो, ज़रूरत हो, तो स्त्री पुरुष दोनों को आपस में कोऑपरेशन करके मेड़ के आप संतान पैदा करेंगे भी। और रोज़ रोज़ का जो करते रहते हैं ये एक खीर खांड समझते हैं, और ये रोज़ रोज़ निकल जाती है शक्ति, उदासी, निराशा, गुस्सा आना, चिड़चिड़ा स्वभाव होना, मन खोटा होना, नेगेटिव बन जाना, हर चीज़ को गलत देखता, स्वाता नहीं कोई चीज़ नेगेटिव है क्या, जो चीज़ अच्छी लगती हो नेगेटिव हो गया, जिसे बात करती इसी बात कर अच्छी नहीं, मुझसे घटिया बात बोलते हो नेगेटिव हो गया, और पॉजिटिव क्या है हमेशा उमंग खुशी, घटिया बात बोल ही नहीं, सोचा ही नहीं, जो सोचो अच्छा सोचा तो होगा अच्छा होगा, ये तो पॉजिटिव होगा, और जो सोचता उसी ये नहीं हो, ये नहीं करना चाहिए, कोई आदमी काम करता ये मत करो, ये मत करो, आम आदमी की आदत है खाम खा, जिसके आपको कुछ नहीं आए, आप में अफजियत लोगों को नसीहत, तो ये नेगेटिव नेगेटिविटी है या जाती रही आदमी, नेगेटिविटी का जो विचार है घटिया विचार का फल दुख है। अच्छा सुख में कई बार इसके बारे में बता दिया आप, ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, तो मैं आपको ब्रह्मचर्य कहता हूँ, ब्रह्मचर्य 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 है क्या, ब्रह्म आचरण करना, वो क्या है, प्रकाश है, उसमें कौन करेगा, जिसका वेटिलिटी ठीक है, जिसका चरित्र ठीक है, तो ब्रह्मचारी एक जगह बात नहीं है, और कहीं चिड़ते हैं तो चिड़ो वैसे हाल देख लो लोग क्या है, कामुकता से परेशान है, जवान लड़के सजा नहीं जाता, निराशा है, आशा ही जिंदगी है, निराशा ही मृत्यु, आशा होप इन द लाइफ डिस्पेक्टली डेथ, तो आशा जिंदगी उम्मीद वो रहेगी उसमें जो ब्रह्मचारी है, और ब्याह शादी कर लिया उसके बाद ज़्यादा अगर सोखता तो वो गिर जाता, तभी उसका चरित्र स्वभाव गुस्सा लग जाता, घटिया जो सोचेगा और काम में मन नहीं लगेगा, और उसके बाद अगर वानप्रस्थ में जाता है और जाते लेडी बैठी उनकी तरफ देखता रहता है, ख्याल देखता रहता है, तो ब्रह्मचारी नहीं हो गिरता रहता है, यानी कि उसके साथ में शरीर का समय दिखाते देखता है किसी का चेहरा अच्छा लगता है और प्रभावित होता है, और ज्ञान देने जा रहा है और ज्ञान उधर लेता है, ज्ञान नजर बोझती है, तो अब जैसे ज़्यादा टोड़ा बन जाता है सत्संग में, तो क्या बहुत से यंग लड़के जाते हैं इसमें, लड़कियाँ देखते हैं काम ही होते हैं और देख रहे बड़ा बड़ा भगत आया है, तो इसलिए ब्रह्मचारी ये नहीं है कि एक ही से ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का मतलब ही है कि वो जो शक्ति है उसको ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करा जाए, उसकी ज़रूरत है क्या कि आपने जैसा इंसान पैदा कर सकता है, इंसान अच्छा कर सकता है कि वो कोई विचार दे के जो करेगा वो सुंदर होगा, तो संतान तो कर देते पैदा, संतान मांगते हो जाती है वो कोई मतलब नहीं, और जिस ख्याल से संतान पैदा करी आपने उस बच्चे वो गुण होंगे, तो बच्चे कहते हैं आजकल बच्चे बिगड़े बहुत, वो बहुत बिगड़े हैं, संतान बिगड़ी गई जी बिगड़ गई, तो अपने पर नहीं सोचते रहे भाई तेरे में कमी है, अगर तू इस तरह का आदमी तो तेरी संतान वैसी होगी, तेरा डिटो ही तो है कि अगर वो इधर उधर बंद देखेगा, सत्संग में जाएगा, वानप्रस्थ की अवस्था में जा रहा है, बड़ा भक्त भी कहलाते हैं, बहुत सेवा भी करते हैं, और नज़र इस तरह अटैक्ट, और ये बात गुप्त है, हर एक को पता नहीं कि आए हैं भाई बहुत आता बड़ा भगत है, रोज़ ही आता गुरु जी को बात, ये हालत है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब एक ही बात नहीं है, ब्रह्म में आचरण करना, टिक के रहना अंदर, मतलब बहना नहीं, तो ये चारों आश्रम में मुकाम देती है ब्रह्मचर्य को, ये सोचता है भाई बचपन से खराबी होती है बचपन में भी देगा, और स्वानी में जो गृहस्थ में होगा उसमें भी देगा, गृहस्थ में अगर आपने पत्नी देखा दूसरी का गया दूसरी तरफ से रहती से तो वो कमी हो गया ज़बरदस्त, और अपनी पत्नी है उसको ज़्यादा भोग हो गया तो कमी है वो
वो कहता जी हम दूसरी औरत की तरफ मुँह को नहीं देखे, आप देखे तो दिन में रात की परवाह नहीं करते, तो ब्रह्मचारी में तो भाका ही हो जाएगा, समझे। कहीं कहते मैं बिल्कुल कोई औरत की तरफ ही नहीं देखा, और तेरा कैसे बड़े शादी तुम्हें छोटे मोटे चुनौ होगी थी, तो कैसा पूरी गिरफ्त खूब हो गया गिरफ्त, तो वो ब्रह्मचारी गिरती है, समझे। ब्रह्मचारी कि मतलब पत्नी है और ज़्यादा बोलते हैं, तो इसका ब्रह्मचारी का मतलब यह है कि अगर शरीर को ठीक रखना है, मन को ठीक रखना है, और ज्ञान को लेना है, और अगर संन्यास में जाके आके दूसरों का भला करना है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। बात महात्मा जी खुद लोगों को कहते हैं, खुद काम ही है, बच्चे पैदा करते हैं घर में तो वो काम ही है, वो अपनी वो स्त्री बच्चे पैदा करते हैं काम ही तो है ना, और उसका ध्यान करोगे तो काम ही बन जाओगे, बात समझे ना। ब्रह्मचर्य की महात्मा जी खुद जैसे मैं भाषण देता हूँ खूब, और मैं खुद काम ही हूँ, बच्चे और बच्चा पैदा करे जा रहा हूँ, और बस बड़ा सज्जन डाला रख लिया, ये रख लिया, वो रख लिया, और वो जो बच्चा पैदा करता वो जो महात्मा करता, अब उसका ध्यान आप पर गुरु का ध्यान दर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना, तो ध्यान करेगा तो उसके गुण ही जाएंगे, समझे कि नहीं। तो वो खुद काम ही है तो जो ध्यान करने वाला काम ही क्यों नहीं होगा, आएगा नहीं, समझे। तो ब्रह्मचर्य एक जगह नहीं है, ये जिंदगी आदमी कह रहे ब्रह्मचर्य इज लाइफ, ब्रह्मचारी जीवन है, वीरना से मृत्यु। तो ब्रह्मचारी का मतलब शुरू से लेकर के आखिर तक संन्यास आश्रम तक ये बड़ी जरूरी है, मतलब ये काम अध्यात्म का सजा अपना इस घर इस शरीर से निकल जाना है, उधर चले जाना, तो खाला का घर नहीं है, ये बातें करना तो सब जानते हैं हम, मेरे को बात बहुत आएगी, बात आते हैं कभी कभी मन का खाल बिगड़ता होता है, लान थे तेरे को अंदर से आवाज़ आती है, जिसको विवेक कहते हैं, अंदर से जो आवाज़ आती है इसका नाम विवेक है, अंदर स्वभाव आता है और याद आती है ना वो बात। तो ये ब्रह्मचर्य का मतलब जो बात करते हैं छोटी बात का समझते हैं, ब्रह्मचर्य का मतलब जीवन है ये, हर जिंदगी के अंदर बचपन में खोजेगा तो बेचैन बढ़ेगा, मेरे पास आते हैं कई बेचैन का फतर, मेरे को अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, ये हर दिन का आदमी है, डॉक्टर वो भी ऐसे जायदा करेंगे, और जो इंजीनियर वो भी, मतलब कोई सिंह जी चाहे IAS IPS हो, जिसका ज़्यादा खोया उसका मन चंचल है और चैन नहीं है उसको, उसकी जबान में स्थिरता नहीं है, खुद को शांति नहीं है, अशांत रहते हैं, कोई ज़्यादा और कोई कम। तो आप ब्रह्मचर्य का मतलब समझिए भी, मतलब क्या चाहते हैं। तो अभी अगर आप चारों आश्रमों में इसका ध्यान रखोगे तब तो ठीक है। चौथा संन्यास है जिसको दाढ़ा रख करके कहते हैं बात पर संन्यास चाहिए बिल्कुल, और उसमें भी अगर वो नहीं रखता है तो जो उसका ध्यान करेंगे सब काम ही होंगे, समझे कि नहीं। गुरु खुद काम ही है, कैसे काम का मतलब मन से, तो इसी का तो ध्यान करते हैं, उसके मन में वही बात आएगी। तो ये बात बहुत गहरी है और इस बात को समझना जरूरी है, और वही आदमी सदा के लिए मुक्त हो सकता है जो चारों आश्रम में टिका हुआ है। अरे अब गृहस्थी भी टिकते नहीं, पर तो बात टिकने की थी, अब नहीं टिकते हैं गृहस्थ में, तो क्या करते हैं उनके लिए समझ है, विवेक है, करे वो करे आगे के लिए रास्ता पकड़ ले, गई वह विसार दे आगे सुध ले, पर उसको किसी उम्र तक वो चलता रहे ज़्यादा हो गया अभी सो छोड़ दें, पर वो जो आगे जाने वाली बात करते हैं वो टिकेगी नहीं आगे। ब्रह्मचर्य का जो जिंदगी है वो ये है कि बचपन में तो बच्चा अलग होगा, छोटा बच्चा है बिल्कुल से, और वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, उसमें खून का दौरा खूब है, तो खेलता रहता है हमेशा, हंसे खुश है, खुशी खेले चाहते हैं, उसमें खुशी है। अरे कमज़ोर बच्चा है जिसमें कम है, यहाँ करता रहता है, तो वो शक्ति वही है जो काम करिए खून की, खून से ब्रह्मचर्य बनता है। इसी तरह एक जवान लड़का है, यंग पढ़ता है, पढ़ने बनना कोई करने की जरूरत नहीं, लेता है अपने आप में करता रहना, एक आम तो उसमें ब्रह्मचर्य की शक्ति है, आप समझे कि आज इसने खो दिया कहीं और मन लगा दिया, कोई लड़की की तरफ ध्यान तक लग गया तो पढ़ेगा लड़की आ गए दे दी, वो मन से शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो फिर उधर जाएगा, जो बताया ना सदा मुक्त होना, और वो उसको करना छोड़ना पड़ेगा। अगर आके ज्ञान देने लग गया सब समझ आ गई, अगर उसका मन है जैसी तो होगा, अगर वो खुद पवित्र खुद मुक्त है तो उसका ध्यान करना मुक्ति से, पता नहीं योग में लिखा कि कुछ नहीं होता, ये करो ये करो ये करो, कुछ नहीं होता है, किसी वीतराग पुरुष को खोपड़ी में रखो, और वीतराग पुरुष कुंड जो सब चीज़ से बड़ी है, वो माया वगैरह अटैचमेंट जितने बड़ी है, किसी दुनिया की चीज़ की तरफ से अट्रैक्ट नहीं है, सब कुछ छोड़ देता है तब आगे जाएगा। अगर मरते वक्त सब कुछ है, दाड़ा रखा कुपर चिलान नगर नाम दिया सब कुछ दिया, और मरते वक्त उसके घर की आ गई तो वो दूसरे के आ गई, वो डेरे की याद आ गई तो डेरे में पैसे, मतलब जोश से अंत मतासो गता,
तो ये अवस्था जब रहेगी जब उसका ब्रह्मचर्य कायम है, तो आप समझ लो भी बात कितनी जरूरी है। वो हर जिंदगी के क्षेत्र में है। अब मैंने बता दी बड़े बड़े महात्मा सत्संग कराते हैं, साधन कराते हैं, धन है वो, बहुत अच्छा विचार देते हैं। लेकिन अगर उनके बीच में कामुकता है तो उनका ध्यान करने वाला कामुकता होता है, समझो वो गैर स्त्रियों को नहीं देखते, बहुत देख आदमी, लेकिन स्त्री के साथ में अगर वो करते काम तो कामुकता है और उसका ध्यान करने वाले काम ही होंगे। आगे समझ बात, तो ये ब्रह्मचारी छोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि अनुभव है मेरा। तो ब्रह्मचारी जो है वो ज़रूरी है, जिस जगह समझ आ गई उसके बाद में सावधान होना है कि वो शक्ति के बगैर जो काम करता है वो ठीक नहीं कर सकता। अब बड़े बड़े महात्मा कहते हैं, अब गुरु जी कहते थे मेरे कि मैं मेरे को कह जाओ संतान पैदा करो, अगर मैं संतान ही पैदा करने के लिए आता सिर्फ तो कोई दोस्त नहीं था, करे सब कोई बात। लेकिन मैं तो स्वाद में आ गया, स्वाद में मेरे को बेचनी आ गई। अब सुन लो जिसने शब्द प्रकाश वो सब देखा हो, मेरे साथ ये हालत बीती नहीं है, इसे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हालत जो है ये अवस्था बनी नहीं है, सहज में बात होती रही। पर गुरु जी ने यह कह रहा, मैं तो उनकी कृपा से उनके रेडिएशन से या उनके संग से मेरे को ये पापड़ नहीं बेचने पड़ी, सीधा चलेगा, न कोई तकलीफ होने, समझ मेरे आई है अभी। तो ब्रह्मचारी क्या चीज़ है कि बचपन से लेके एक शक्ति पैदा होती है इस आदमी अंदर, जो जिंदगी में उत्साह उमंग हौसला जीवन है वो, ये कुछ करता वो जिंदगी है ना, जिंदगी जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाप क्या क्या कर दिया करते हैं उर्दू शायरी में, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, उमंग चलो हाँ करते हैं सत्य, हाँ चलते हैं चलो चलो कोई देखते किसका सत्य उधर है, अरे सत्संग नाम से खून के अंदर उमंग आ गई, वो चीज़ शक्ति रहेगी ना, वो जो खोड़ी है वो नहीं आएगी, तो देख आज तो तबीयत तो नहीं जाने की, चलो चलता हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है, क्या कमी है उसमें, लेखो ब्रह्मचारी, आप समझिए मेरी बात, अरे नाम लिया सत्संग चलो, अरे हाँ डेट हो डेट चलो जरूर चलते उमंग, अगर ये उमंग से जाएगी सत्संग सुनोगे तो उमंग कहाँ से आएगी, ये उमंग आएगी आपको ब्रह्मचारी का कायम रखना, ठीक है न, मन से शरीर से दोनों, हर कौन सी जिंदगी में शुरू से ब्रह्मचारी जीवन में और गृहस्थ जीवन के अंदर भी यही होगी, काम करो खूब खुशी खुश रहे, ठीक है पत्नी देखने के लिए है वो काम करने के लिए गृहस्थ होगी, और हम लोग क्या कर पत्नी के साथ रोजाना के लिए करते शक्ति निकाल देते हैं बड़े खुश। कहीं मेरे कहते हो आप सत्य उसको, हम तो गुरु महाराज का ध्यान करते हो गुरु करते और फिर काम भोगते हैं, बड़ी खुशी मिलती है, तो उनके लिए ब्रह्मचारी कोई बात नहीं, वो करो अपना काम, उसमें जिस आनंद खोजते खोजो काफ़ी खूब लगाओ डूब के फिर देखो आखिर चल नहीं मतलब रही, तो वो जीवन है ब्रह्मचारी शक्ति है, तो जो आपके अंदर उमंग है सत्संग उमंग से सुनते हो तो कुछ अभी आपने मेंटेन कर लिया है और समझ मन इधर उधर नहीं गया भटकता नहीं है। और दूसरा इसका ये मतलब नहीं है केवल कि शक्ति को खोना काम, हम काम अभी आगे समझें, दूसरी बात ये समझिए ना कि बचपन से लेके आखिर महात्मा जी बन के बड़े भाषण देते हैं वहाँ तक ब्रह्मचारी की जरूरत है दूसरों को, क्योंकि उस और फिर जो रेडिएशन उसकी रहती है तो रहते हैं जैसे रात लोगों को पीछे लगा रखे लोगों और खुद कामी हैं या चलाक हैं, 420 है हेरा फेरी है, तो वो जो हेरा फेरी चलाकी है वो उनके अंदर जाएगी, वो गुरु जी चलाक है वो क्या करता है वो क्या करता है उनके ऐप देखते हैं, और वो जो उसका ध्यान करेगा तो वो आ जाएगा। तो ब्रह्मचर्य का अगर पालन करते तो बात समझ जाएंगे कि मैं पहले साफ हो जाऊँ, मेरा रेडियस धोखा दूंगा नहीं तुम लोगों को, आप में यहाँ फजियत और वो नसीहत। तो भाई ब्रह्मचर्य का मतलब है बचपन से लेके बच्चा अलग होगा, और खिलाड़ी खेलता है पढ़ता है तो वो अलग होगा पढ़ने वालों में से, और वो गृहस्थी है तो वो गृहस्थ अच्छा होगा, टिप टाप उसके बच्चे वगैरह टिप टाप से जो उमंग है ना उसको हर चीज़ आगे रखता है, एक चीज़ इधर रखी वहीं रखोगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, यानी एक चीज़ आया इधर रख दी सर, अरे वो मेरी पगड़ी देखी है मेरी पगड़ी भाई इधर गई पगड़ी, जूती कहाँ जूती कहाँ जूती कहाँ, क्या देखो ब्रह्मचारी है व्यवस्थित चेष्टा है उसको जो चीज़ रखी है जैसे मैं रखता हूँ, मैं बात बताता हूँ ब्रह्मचारी की हालत कैसी होती है, तो वो जो चीज़ रखा वहीं रखेगा और जब जरूरत है उधर मिल जाएगी, ये प्रेजेंस ब्रह्मचारी का कमाल है कि नहीं समझ। तो भाई ब्रह्मचारी के बारे में आप पूछना चाहते हैं, ब्रह्मचारी के बगैर कुछ वो आगे नहीं तो ये दुनिया बढ़ेगी और नहीं दीन बढ़ेगा, जो मेरी समझ आई और मैं जो कमी देखता हूँ ये मेरे को अनुभव है, और ये गुरु महाराज की कृपा से है, ये ज्ञान भी दिया है और साथ साथ उसको मन को रोकने का जो योग है वो मुझे तकलीफ रखनी पड़ी सहज है। तो आदमी नेगेटिव जाता है वो कौन जाता है, जिसका ब्रह्मचर्य खराब है वो हर चीज़ में कमजोरी देखेगा, ठीक है ना। तो समझिए ब्रह्मचर्य एडी से छोटी तक वो है शक्ति, और वो शक्ति आपके अंदर ब्रह्मचर्य की है,
और ब्रह्मचर्य क्या रहे ये और काम क्या रहा। एक तो काम ये हो गया कि संग स्त्री का संग बस शक्ति व्यस्त करना। दूसरा काम क्या है अब सुन लो। दूसरा काम के लिए बताया कबीर साहब कहते हैं काम काम सभी कहें काम न चिन्ह कोई जेती मन की कल्पना काम को हमें सोए। जो ज़्यादा कल्पना होगी तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये भी लेखो ब्रह्मचारी हो गया। ब्रह्मचारी आदमी का ऐसे इधर नहीं करेगा कल्पना तक कल्पना आ गया ये आ गई वो आगे पर्पज वॉक टू द पर्पज टॉक टू द पर्पज वर्क टू द पर्पज से काम करेगा। यानी ये बात आ गई ये नहीं ऐसे कर लो ये नहीं ऐसे कर लो ये नहीं ऐसे कर लो ऐसे जो करता वो ज़्यादा ऐसा करूँ अभी एक विचार है दूसरा ऐसे करूँ तो वो ब्रह्मचारी खोया जा रहा है। क्या मतलब है कि ब्रह्मचारी शक्ति नहीं है। तरह तरह कल्पना करता जितनी कल्पना करता वो संस्कार बढ़ते जाते। तो ये क्या काम काम सभी कहें काम न चिन्ह कोई जितनी मन की कल्पना ज़्यादा हो काम को हम सो। आप समझे कि नहीं काम का मतलब क्या है कमजोरी आती है। तो ज़्यादा सोचेगा तो माथा कमज़ोर हो जाएगा और काम नहीं करेगा। बिना मतलब की बातें सोचेगा तो वो भी ब्रह्मचारी से गिरता है। अभी समझिए ना बात क्योंकि अब एक ब्रह्मचारी रखता क्या है कायम रखता है मतलब से बात करता है ठीक है रहता मन चंचल नहीं डोलता नहीं खाते पीते चलते फिर आपने मतलब टेम्पर खोता नहीं। जैसे आप कहते हैं ना कोई बात फिर टेम्पर खो देता और रंग बदल जाता बदलता नहीं उसका और बड़े अपना सोचेगा नहीं फालतू थोता मतलब का सोचेगा मतलब तक सोचेगा तो नहीं सूझेगी उसको एक ही जगह पेंट रख और फालतू चीज़ दुनिया का जो आते हैं विचार आते तो विचारों को नहीं कर देगा। अब ये ब्रह्मचारी की शक्ति आगे बात आपको मैंने बता दिया ब्रह्मचारी फिर दोहराता हूँ बचपन से लेकर के मरने तक कोई भी दुनिया का काम करने तक वैज्ञानिक डॉक्टर इंजीनियर जिस लाइन में भी काम करता है वो कमाल करेगा और इसके लिए ब्रह्मचारी की शक्ति समझे कि नहीं। डॉक्टर है तो सोचेगा देखेगा चेहरा चेहरा देखते पता चल जाएगा इसको दो सिम्टम फूलें और फिर दे देगा दवाई। और डॉक्टर बीमारी है वो मन की चोरी है हेरा फेरी करता है मशीन ले आगे रखे लाख रुपये तो वो देखता है आदमी के पास पैसे मालदार आदमी है मामूली जुकाम है उसको खांसता है या छींक छींक कर एलर्जी है उसको मामूली गोली देनी थी 100-200 रुपये में बहुत थी और उसको होता नहीं सब टेस्ट कराओ साहब और जानता कोई टेस्ट वाली बात नहीं। अब वो जो खुला वो किसके लिए को ब्रह्मचारी है उसका और उसको मरना दिखता नहीं या कर्म करेगा तेरे को मिलेगा उसका। ये कमज़ोर आदमी जो है वो इस तरह सोच नहीं सकता नेगेटिव विचार होंगे उसकी तो उसको चारों चक्कर में डाल दिया किसका टेस्ट 10,000 का 5,000 का उसका करा दिया और वो पैसे करा दिया और वो जानता ये चीज़ नहीं। तो वो क्यों कौन करेगा कि जिसमें ब्रह्मचारी शक्ति कर मालदार बन जाऊँ ये बन जाऊँ उसको मरना नहीं दिखता कर्म नहीं सोचता करता क्या। तो डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ मैं जो बड़े बड़े डॉक्टर बने हैं बहुत ज़्यादा बड़े हैं और बड़े बनने के बाद में फिर कुछ दिन तकलीफ टेस्ट कराओ तो अगले दिन में डॉक्टर नहीं बन गए नरक में नहीं करे या भिखारी बनेंगे या मंगते भिखारी बनेंगे। ये चक्कर है ना कि कर्म किया तय सफल पाया अंत में अब उनको इसका ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान मिलेगा गुरु से और गुरु ज्ञान किसको मिलेगा जिसका मन स्थिर है और ये योग याग जितने कराए जाते हैं मन को स्थिर कराने के लिए कराए जाते हैं और जिसके अंदर ब्रह्मचारी की शक्ति है कोई ज़रूरत नहीं है साधारण जाता है क्योंकि दवाई तो उसको दिया जाए बीमार हो तो उसके लिए कुछ नहीं आई अजपा दाप जब ठीक है क्यों और योग कमजोरी है माँ में बाप मरे लिए तो उसको दूर करने के लिए तरीके हैं किसी को जब जब हो किसी को कुछ करो किसी को कुछ करो किसी को कुछ करो जिससे उसका मन ठहर जाए। अब ये राम राम करने से ठहर जाएगा अल्लाह अल्लाह करने ठहर जाएगा और जो आजकल के जो नुगरे हैं बिल्कुल से या जो भगवान को नहीं मानते इन बात नामों को उनके लिए दूसरा तरीका हो जाएगा मन इकट्ठा करने का तरीका है। तो कर्मयोग सबसे बड़ा है जब काम में मन लगे तो उसको तकलीफ होगी गरीब रहेगा नहीं वो कोई कमी रहेगी नहीं पर काम में मन किसका लगे जिसका ब्रह्मचारी ठीक है नहीं तो मन छलांग मारेगा। आगे समझ रिगेन कर जो खो दिया और समझ जाओ द्वारा जब खो दिया वो तो खो दिया गया अपन आज से समझ आ गया आपको और आज से आप इसका पालन करो अपना कोऑपरेट करो घर में कोऑपरेट करो बीवी को मुझ पर करो साथ उसको करके कुछ उम्र तक बने नहीं ये तो लेकिन आज से समझ जाओ आज से उस चीज़ को कम कर दो सात्विक बन जाओ। भोजन की बात यह है कि जो भोजन आपको स्विच करता आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है आज इसे संतुष्टि आपको वो करो या समझे ना गर्म चीज़ में अंडा वगैरह नहीं खाओ क्योंकि उससे गर्मी आएगी और कामुकता पैदा होती है। तो इस चीज़ों को जो गर्म चीज़ है जानवर के जानवे से मन इसे बताते हैं इसका किसी का ये मत खाओ चौराई के मत खाओ धोखा देगे मत आओ ये मत आओ तो उसे खाओगे वैसे अन्न वैसे वैसे होगा मन। तो भोजन ये है कि भोजन आसानी से हजम हो जाए
फिर आसन बताते थे, आसन इधर बैठो, लिखो आसन से बैठो रहे, खोद थी उनकी। लेकिन अभी अगर तो कोई आसन की बात ही कोई नहीं सुनो, चलते फिरते ही है तो साधन करना, चलते फिरते कर लो। बात तो मन को इकट्ठा करने आया है तो चलते फिरते कर लो। अब बैठे आजकल, अब आपसे बात भी कर रहा हूँ नेट, अकेला हो गया बात करता रहूँ, और चले चले ठीक है रहता हूँ, सिंपल तो नहीं लगे। तो भोजन जो आपको स्वीट करता वो करो, आसन जिसमें बैठने से आपका मन इकट्ठा होता वो कर लो। अगर कितना सोरा कर दिया करियो, नहीं तो ये आसन करो, ये आसन करो, ये आसन उधर आसन बैठो, ये आसन पर आसन में लगे रहे। वो उनकी खोज थी, लड़ती थी, वो तलाश कर रहे थे अब कैसे बैठे, तो कई देर बैठे रहे। और अब जो अब आदमी समझ गया बात, कोई बात नहीं है, आसन क्या जिसमें आप कई देर बैठ सको ना, तो बैठ के मन इकट्ठा हो तो वो आसन बना दे। भोजन जो खा के आपको शांति मिले, गर्मी पैदा ना करे, कामुकता पैदा ना करे, वो भोजन खाओ। तो और जानवर खाओगे तो जानवर का सा गुण आ जाएगा, जैसा अन वैसा मन। इसे ऐसा करो कि भोजन मांस त्याग दो, क्योंकि जानवर का गुण तो नहीं करने के पैदा करे हम, तो सादा अन्न खा लो, वेजिटेरियन सब्जियाँ खाओ, समझे कि नहीं। पर यह पाबंदी नहीं है इसमें, यह मन जैसे आपका स्थिर रहे वो चीज़ खा लो। आसन जिसमें काफ़ी देर बैठ सको शांति से, कोई जरूरत तो एक तरीके से पकड़ी जैसे कमला जी बैठे, इसको सुविधा है फर्स्ट क्लास तक क्या लगा के आराम से बैठना चाहते। अब दिन में कभी टाइम पर बैठना चाहिए तो दिन की टाइम ही नहीं है, वो तो टाइम है कि लोगों को उठे पैरी करने की है, अब उठे पैरी कर नहीं सकते। तो ऐसे आदमियों के लिए ठीक है, मन टिकता रहता है, सुविधा है, वो कामयाब नहीं, क्योंकि जिस दिन मौका नहीं मिलेगा बिलो उस दिन बेचैन हो जाएगा। इस दिन समय से मौका नहीं मिलता और जो साधन कर लेता कैसे कहीं चलते फिरते, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो भोजन पर आसन पर यह कोई पाबंदी नहीं है, मतलब उस समय खोज थी उनकी, कहीं जिसको शांति मिली बोले इस आसन में बैठो, वो उसके लिए ठीक है। अब मैंने कोई कहे तो प्राथी मार के बैठे घोड़ा में तो घोड़ा मुड़ेगा नहीं, तो मेरे लिए क्या है जिस आसन में बैठ सकूँ जैसे बैठ सकूँ। मन तो इकट्ठा करने की बात है, हर मैं कहता हूँ चलते फिरते भी कर रहे हो। तो आसन भोजन पुरानी बात है, बहुत अच्छा था वो, उसी को लोग लकीर फिरते वाला लकीर है। अभी तो आसन की है, आसन से बैठ सको भोजन, जिसको हजम हो जाए, जो हजम नहीं हो रहा है खाना खा लिया डकार दे रहे हो, हजम वाला ले रहे हो, ये ले रहे हो, ठीक नहीं हजम नहीं, तो क्या फ़ायदा, इतना खाओ जो हजम कर लो। और बोलो कोई प्रश्न हो तो और बोलिए। ब्रह्मचर्य का उम्र से, लंबी आयु से और बीमारियों से क्या संबंध है? ब्रह्मचर्य पालन करने से देखो कि बीमारी जो बाहर की कुछ होती हैं, जो बीमारी क्या चलती फैलती कसबू सेक और सेक जो खाती, वो अटैक उसी पर करती हैं कि जिसके अंदर स्वास्थ्य कमज़ोर है। ब्रह्मचर्य का कमज़ोर है इसलिए कि एलर्जी वाले पास बैठ के एलर्जी हो जाएगी, छीका हो तो उसके पास छीका जाएगी, जो कमज़ोरी होती है माथा खाली होता है ना, तो ये सब उस पर असर ज़्यादा करता है। जिसका ब्रह्मचर्य गिरा उस पर रोग ज़्यादा आ जाते हैं, और उम्र भी उसकी कम होती है तो शरीर में रोग कम आ गया, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वगैरह कम होगा तो वो कम हो जाएगा। पर उम्र की खास लिमिट है, प्री डिस्टेंट है, पहले से ले के आए हैं, सबकी एक बात नहीं है। किसी के सारे दिन काम करते करते लंबी उम्र हो जाती है, और किसी के सुख शांति से रहते रहते जल्दी डेथ होती है। तो ये कर्म भोगने के लिए आते हैं, ये समझना ही बात। कहाँ कनेक्शन है इसका? है प्रारब्ध कर्म से, कि जितने कर्म ले के आए हैं जो जो करने के लिए, वो मास्टर जो वो कर लेंगे, उसके बाद ख़त्म रहेगा जिएगा नहीं, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो। कोई बात जहाँ तक का वो कर्म ले के आया, यहाँ यहाँ तक का ये काम पिछले जन्म का है, इसका जिसको ये दुख दिया ये सुख दिया ये काम किया ये करेगा, तो इसकी कोई उम्र नहीं है। उम्र यह है वो चलते भी मर सकता है और वो बैठे भी मर सकता है। और बीमारी यह है कि इसका ब्रह्मचर्य कमज़ोर है, उसको ज़्यादा असर होता है। ये है इसलिए उम्र का और स्वास्थ्य। और बोलिए एक और ये है जी सवाल, कुछ कहते हैं कि जबरदस्ती ब्रह्मचर्य का पालन करोगे रोकोगे इसको तो अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगी, वो ठीक है, वो बात अलग है, उनका अनुभव ठीक है बिल्कुल, क्योंकि उनने बेचारों रो क्या होगा कभी, हर मन के माँ भरेगी मन दिया कि तो और ही तन संतन के संग कहे कबीर कोरी गंजी कैसे लाग रंग। इस बात को कबीर ने यह जवाब दिया क्या कि तुम्हारा तन तो देते हो उसकी तरफ और मन कहीं और ही है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब यह रोकने का मतलब यह रोकने को दिखाता खड़ खोरी में भोकने को रुष्टि से वो नहीं करता, और मन के अंदर बात जैसे आप साथ मेरे चलते मैं बैठे हुए मेरी मुझे लेके आता मेरी बात सुनो भैया, और मेरी बात नहीं सुन के आप अपने काम में लगे रहते हैं, तो ऐसे आदमी के लिए वो जरूरी है, संघ की ज़रूरत है, और दूसरी बात मन लगाने की ज़रूरत है। अब मैं इतनी बात करी आप ध्यान से सुनी तो ठीक है, और यहाँ पर जो होते हैं अभी कई कम लोग बैठे मेरे पास तो काम करते वो अपना काम कर देती हैं काम में, और कोई ध्यान नहीं करती और साथ रहती मेरे,
तो कोई ऐसा नहीं होगा। वो तो जिसके साथ रहता वो अब क्या कहता है, अब क्या कहता है, उत्साह वो तब मन इकट्ठा रहेगा उसका, आस्था श्रद्धा इच्छा चाह। तो वैसे अगर साथ रहते भी हैं, पास रहते हो, सेवा करते हो, खूब धोती धोते हो, ये काम करते हो, और वो कोई बात सुनते ही नहीं, तो उनका कोई ऐसा नहीं। और बोलो कोई चीज़ पूछे पूछे ब्रह्मचारी समझा कि नहीं, एक ही चीज़ नहीं है बस। अगर आदमी खुश है देखता तो देखने से अच्छी बात कर, खुश कर तो समझ ब्रह्मचारी, यानी उसकी बात अलग रहेगी, अट्रैक्टिव होगी। वो जो बात करेगा तो दो आदमी बैठे उसकी तरफ आ जाएगा। अब आपको चाहिए काम और क्या कराता हूँ, क्यों कराता हूँ, क्या आप दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं कि आपका अभी पोजिशन ऐसा है, भाव ऐसे जो काम लेके तो मैं आपका, तो आप कर सकते, हर एक आदमी कर सकता है, कन्विंस करना है तो आप मुझे चीज़ व्यर्थ से बोलता तो और तेरी बात का असर होता है उसके ऊपर, समझेगी ना आप, ये मामला है। यानी वो अलग ही है, ईद का चांद है, ब्रह्मचर्य का पालन ईद का चांद है, जहाँ भी जाते हो उधर वो सब उसको अच्छा लगता है, और उसको चाह नहीं है वो जेवर की जिसे खूबी खुदा ने दी। तो मेरी मिसाल देता हूँ हमेशा कि किसकी टाई किसका देना देना, एक छोटी सी कमीज होती थी, अटाई इधर सीख लिया अंग्रेजा जमाने, जब गाँव जाता पतलून तो सरकारी है मेरे पास, और अटाई लगा देता था, ईद का चांद था, कोई मेरे देखता नहीं था पतलून क्या फिर कुछ नहीं, मुझे परवाह ही नहीं था, फिर चेहरा चमता बातें थी, बात अट्रैक्ट करती लोगों को, तो वो क्या चीज़ थी, वो शक्ति थी। और अभी जो करते हैं वो शक्ति है, और जो आदमी ऐसे वो अलग होगा, वो क्या ठीक ब्रह्मचारी है। तो कह दिया ना पहले एक शब्द में कि ब्रह्मचारी इज लाइफ, सेक्सुअलिटी डेथ, ब्रह्मचारी जीवन है, बाकी बिरेनास मृत्यु, मृत्यु होने लीला हो जाएगा, उदासीन निराश, या आस का मार्ग है, आस विश्वास का आस्था है एक जगह, तो इस पर आप समझिए।